So, hello? Rock! Rock getting marked! Rock! One eternity later. So, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और वर्सेस बैटल की, जिसमें हमारे पास हैं दो सबसे पावरफुल मॉर्टल कैरेक्टर्स। एक तरफ है एवेंजर्स टीम का सबसे वाइज कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका, एंड उसका अपोनेंट है असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल असैसिन्स में से एक, एजियो ऑडिटोरे। सो मैं आपको दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताऊंगा और उसके बाद अपना एक कॉन्क्लूजन दूंगा। और हाँ, एक और बात कि जो मेरा कॉन्क्लूजन होता है वो हमेशा कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को लेके देता हूँ, उनके पावर्स एंड एबिलिटीज को कंसीडर करता हूँ, उसके बाद कॉन्क्लूजन देता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत हेट देते हैं, सो उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। So without wasting any further ado, let's begin. नहीं 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 नहीं, ये मेरा इंट्रो नहीं है, मेरा इंट्रो प्ले करो। सो पहले हम लोग बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ये तो मेरे को बताने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि आपने मूवी में देख ही लिया होगा कि उसने एक हाथ से एक हेलीकॉप्टर को रोक लिया था, और ये करना किसी के बस की बात है नहीं। अपनी स्ट्रेंथ की मदद से कैप्टन अमेरिका कार्स को लिफ्ट कर सकता है और कहीं भी फेंक सकता है। कैप्टन अमेरिका के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। अब जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर एंड विंटर सोल्जर में देखा था कि कैप्टन अमेरिका ने हाईवे में बहुत सारी कार्स को सरपास कर दिया था, यानी कि पीछे कर दिया था, और उस समय कैप्टन अमेरिका अपनी फुल स्पीड में भी नहीं था। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस भी हैं। वो किसी भी अटैक पे तुरंत रिएक्ट करता है। अब कैप्टन अमेरिका इम्यून है फटीग से। बेसिकली जो सीरम कैप्टन अमेरिका को दिया गया था सुपर सोल्जर बनाने के लिए, उसने उसको सिर्फ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड प्रोवाइड नहीं की, बल्कि उसको इम्यून किया फटीग से। लेकिन जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक टाइम के बाद थक जाते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका कभी नहीं थकता है, और ये एडवांटेज उसको उसके एनिमीज से लड़ने में भी मदद करता है। जब उसके एनिमीज उसे लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका कभी नहीं थकेगा, वो हमेशा लड़ता ही जाएगा, बिना कोई रेस्ट लिए बीच में कैप्टन अमेरिका लड़ता ही जाएगा। कैप्टन अमेरिका एक एक्सपर्ट है इन मार्शल आर्ट्स एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब हम सबको ये पता है कि कैप्टन अमेरिका सुपर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको बहुत सारी टाइप की मार्शल आर्ट्स आती हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड फाइटर इन द एंटायर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। कैप्टन अमेरिका स्किल्ड है एक्रोबैट्स में, मार्शल आर्ट्स में, मरीन कॉम्बैट में, बॉक्सिंग में, जूडो में, जिजित्सु में। अब कैप्टन अमेरिका ने कई घंटे बिताए थे ये सब सीखने में और इन सबको मास्टर करने में। तो अगर उसका कोई एनिमी स्किल्ड नहीं है तो वो तो कैप्टन अमेरिका के सामने टिक भी नहीं पाएगा, फिर चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो। और ऐसा हमने सिविल वॉर में देखा था, जब आयरन मैन जो कि उस समय पावरफुल था कैप्टन अमेरिका से, लेकिन फिर भी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैप्टन से हार गया था, क्योंकि कैप्टन बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। अब इसके अलावा कैप्टन के पास सुपर हीलिंग की भी पावर्स हैं। कैप्टन अमेरिका बहुत ही जल्दी तो नहीं, लेकिन हील हो जाता है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा जल्दी हील होता है किसी भी सीवियर इंजरीज से। वो अपनी ब्रोकन बोन्स को एक दिन में ठीक कर देता है, और बुलेट्स और नाइफ्स के वुंड से कुछ घंटों में ही ठीक हो जाता है, और एक हफ्ते में उसने अपना ब्रोकन नेक ठीक कर लिया था। इसके अलावा वो इम्यून है सारे अर्थली डिजीजेस से, यानी कि उसको अर्थ का कोई भी डिजीज नहीं हो सकता है, उसको पॉइजन्स या फिर पॉइजनस गैसेस से भी नहीं मारा जा सकता है। इसके अलावा कैप्टन के पास है सस्पेंडेड एजिंग। अब जो कैप्टन की एजिंग है वो बहुत ही स्लो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। आप खुद ही सोच सकते हैं, वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का था, लेकिन वो 2012 से लेके जवान रहा था। उसकी एज तब तक कुछ 92 इयर्स हो गई थी, लेकिन तब भी वो एकदम जवान था।
कैप्टन अमेरिका बहुत ही ज्यादा हाईली ड्यूरेबल भी है। उसके अंदर पेन टॉलरेंस की स्किल्स बहुत ही ज्यादा हैं। वो इंजरीज के टाइम भी फाइट कर सकता है बिना रुके। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कितनी बड़ी इंजरी हुई है, वो फाइट में ध्यान देता है। ये बात है कि उसको दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो दर्द को सह लेता है और अपनी फाइट में फोकस करता है। सो अब अगर मैं बात करूँ उसके वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स की, तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है उसकी वाइब्रेनियम शील्ड। अब इसके बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत होगी नहीं। वाइब्रेनियम एक ऐसा एलॉय है जो कि लगभग हर चीज से रेजिस्टेंट है, और वाइब्रेनियम अर्थ का सबसे पावरफुल मेटल है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका का जो आर्मर है वो बुलेट प्रूफ और फायर रेजिस्टेंट है, यानी कि उसके आर्मर पे बुलेट्स और फायर का कोई असर नहीं होगा। और इन दोनों चीजों के अलावा कैप्टन कोई भी चीज एक्स्ट्रा यूज नहीं करता है। अब एजियो ऑडिटोरी एक बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड असैसिन है, और उसने लर्न और डेवलप किए बहुत सारी टाइप की स्किल्स, जैसे कि पिक पॉकेटिंग, ब्लेंडिंग आर्मर्ड एंड अनआर्मर्ड कॉम्बैट, अल्टरनेटिव और मल्टीपल वेपन अटैक्स, स्टेल्थ एंड पब्लिक असैसिनेशन टेक्निक्स, फ्री रनिंग एंड लॉन्ग रेंज कॉम्बैट, और भी बहुत सारी टेक्निक्स। इसके अलावा एजियो ऑडिटोरी बहुत सारे टाइप के वेपन्स यूज करता है, जैसे कि हिडन ब्लेड्स, पॉइजन ब्लेड, स्वॉर्ड, थ्रोइंग नाइफ्स, हिडन गन, पॉइजन डार्ट्स और भी बहुत सारे वेपन्स। अब एजियो बॉर्न हुआ था एक एबिलिटी के साथ जिसको कहते हैं ईगल विजन। अब इसकी मदद से एजियो पता लगा लेता था कि कौन उसका दोस्त है या फिर कौन उसका दुश्मन है। अब एजियो के पास कोई भी अलग तरीके की पावर्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी कई लोग उसको डीमन भी समझते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है। उसने अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया था अपनी ट्रेनिंग से, और अपनी बॉडी को उसकी लिमिट तक ले गया था, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी अपनी लाइफ स्पैन में जितना कर सकती है, और जो उस बॉडी का आखिरी लिमिट होता है उस लिमिट तक पहुंच गया था एजियो ऑडिटोरी। वो पीक ह्यूमन कंडीशंस पे था। अब उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी ज्यादा थी कि उसको लोग सुपर ह्यूमन समझने लगे थे। अब एजियो का आर्मर भी हाईली ड्यूरेबल था, वो गन्स और स्वॉर्ड्स के अटैक को आराम से झेल लेता था। लेकिन जो चीज एजियो को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है उसके हिडन ब्लेड्स और हिडन गन्स। वो कब उनका यूज कर दे किसी को पता नहीं चलता था। अब एजियो एक एथलीट था, उसकी पार्कोर स्किल्स इतने अच्छी थे कि वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में बहुत ही आराम से चढ़ जाता था, और एक टॉल बिल्डिंग से जंप भी बहुत ही अच्छी तरीके से मार लेता था। उसका उसकी बॉडी पे फुल कंट्रोल था। एजियो के पास थी पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, वो आराम से 10-12 आर्मर टेम्पलार्स को एक ही बार में रोक सकता था और उनको जान से भी मार सकता था। अपने एक पंच में उनके आर्मर को पूरी तरीके से तोड़ सकता था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कई सारे टेम्पलार्स उसको देख भी नहीं पाते थे। वो उसको देखने में जितना टाइम लगा देते थे उतने टाइम में वो सारे टेम्पलार्स को मार देता था। उसके पास भी थी पीक ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, वो भी काफी ज्यादा पेन को टॉलरेट करके लड़ सकता। उसके पास है पीक ह्यूमन स्टेमिना। अब इस पावर की मदद से एजियो पूरी इंटायर आर्मी से लड़ सकता है बिना किसी फटीग के, वो भी बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है इन मार्शल आर्ट्स एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट। एजियो को भी बहुत सारी टाइप के फाइटिंग स्टाइल्स के बारे में मालूम है, इसीलिए उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना नियरली इम्पॉसिबल है। सो ये तो मैंने बात कर ली दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। और हाँ, एक और बात, मैंने यहाँ पे एजियो के एप्पल ऑफ ईडन और कैप्टन अमेरिका के एंड गेम में दिखाए हुए हैमर म्यूनीर को नहीं लिया है, मैंने यहाँ उन दोनों के नॉर्मल वर्जन की बात की है। सो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि एजियो सामने से कैप्टन को कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कैप्टन अमेरिका बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और उसके पास तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो कि एजियो की पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ से कई ज्यादा है। कैप्टन अमेरिका एक सुपर ह्यूमन है। कैप्टन अमेरिका एजियो से स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटेलिजेंस और वेपन्स की तो उसमें एजियो आगे है। एजियो बहुत सारे टाइप के वेपन लेके चलता है और उसको उनको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना भी आता है एक फाइट में, जहाँ कैप्टन के पास उसकी शील्ड है और उसका आर्मर है। लेकिन जब तक कैप्टन के पास उसकी शील्ड रहेगी तब तक तो एजियो का कोई भी वेपन किसी काम नहीं आने वाला है। एक काम हो सकता है कि एजियो अपने इंटेलेक्ट का यूज करके अगर कैप्टन को उसकी शील्ड से दूर कर दे तब यहाँ पे फाइट बराबरी की हो जाएगी और तब एजियो के जीतने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। सो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि अगर कैप्टन के पास उसकी शील्ड हुई और एजियो उसको सामने से लड़ेगा तो यहाँ कैप्टन जीत जाएगा।
क्योंकि कैप्टन एक सुपर ह्यूमन है और उसकी पावर्स एजियो से कई ज्यादा है। लेकिन अगर कैप्टन के पास उसकी शील्ड ना हुई या फिर एजियो ने उसकी शील्ड उसे दूर कर दी और एजियो अपनी एक्रोबैटिक स्किल्स का यूज करे अपनी फाइट में, तो यहाँ पे एजियो भी जीत सकता है। So this is the complete video. Hope you like that and don't forget to like, subscribe and comment. I will see you in the next video. Thanks for watching.